जय हिंद दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सदिश तथा अदिश। इसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, आज इतने सटीक तरीके से पढ़ेंगे कि आज के बाद प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। और ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आता ही है ये टॉपिक सदिश और अदिश का, साथ में इलेवंथ और ट्वेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। तो बात करते हैं दोस्तों, सदिश किसे कहते हैं। वे भौतिक राशियां जिनको लिखने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए मात्रा तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश कहलाता है। वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा तथा मात्रा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश कहलाता है। एग्जाम्पल की बात बाद में करेंगे, एक बार अपन अदिश कुल समझते हैं। अदिश क्या है? वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल और केवल मात्रा की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश कहलाता है। जैसे दूरी, इसका एग्जाम्पल पहले लिख रहा हूं, दूरी। दूरी के बाद आता है चाल, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है दोस्तों? वजन। ये ऐसी भौतिक राशियां लिख रहा हूं जो आपको डायरेक्ट पता है। चाल, अपन किस तरीके से चल रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है दिशा का, डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं। उसके बाद अपना वजन, वजन किस दिशा में है, कोई लेना देना नहीं है। तो वजन का मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। उसके बाद दूरी, दूरी एक अदिश राशि है। उसके बाद आता है दूरी या लंबाई, एक ही बात है। द्रव्यमान के बाद आता है समय। अपन दोस्तों अपन ऐसा कहते हैं कि ये समय कितनी दिशा में हुआ है, नहीं कहते हैं ऑब्वियसली। इसलिए समय क्या है, अदिश राशि है, समय है अदिश राशि। अगर मैं बात करूं सदिश राशियों की तो ये आता है विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि। मैं एग्जांपल देके बताता हूं विस्थापन क्या होता है। विस्थापन होता है दो स्थितियों के बीच की सीधी दूरी। सीधी दूरी एक निश्चित दिशा की बात हो रही है, तो विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। विस्थापन के बाद आता है वेग। वेग क्या है, वेग किसे कहते हैं? वेग होता है विस्थापन बटेवा समय। विस्थापन बटेवा समय क्या होता है, वेग कहलाता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। चाल, दूरी में परिवर्तन की दर चाल कहलाता है। चाल बराबर दूरी बटेवा समय होता है और वेग बराबर विस्थापन बटेवा समय होता है। वेग तो सदिश है लेकिन चाल अदिश है। इसी तरीके से बात आती है त्वरण। त्वरण क्या, किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है और त्वरण एक सदिश राशि है। इसी तरीके से बहुत सारे बल आता है। बल क्या है, निश्चित दिशा में इधर बल लग रहा है या इधर बल लग रहा है, इधर इस दीवार के ऐसे इधर अंदर की साइड बल लग रहा है या बाहर मुक्का लगा रहे हैं तो उधर बल लग रहा है, तो बल भी एक सदिश राशि है। अगर बात की जाए कार्य की तो कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है, अदिश राशि है। यह नहीं कहा जाता कि इस दिशा में कार्य हुआ है, बस कार्य तो हुआ है। यह है दोस्तों सदिश तथा अदिश। ये एग्जांपल है सदिश के, ये एग्जांपल है अदिश के। इसके अंदर एक और बात आई है कि वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा और मात्रा की अपन बात कर रहे हैं, इसमें टॉपिक आया है भौतिक राशियां। यह भी साथ में समझा देता हूं दोस्तों, भौतिक राशियां क्या होता है। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां क्या होता है, वे राशियां जिनको मापा या तोला जा सके भौतिक राशियां कहलाता है। वे राशियां जिनको मापा या तोला जा सके क्या कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती है। दोस्तों वीडियो समझ में आया है, टॉपिक अगर आपका क्लियर होता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।